आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे चतुर्भुजों की रचना पर आधारित उदाहरण देखेंगे जिनकी तीन भुजाओं और उनके बीच के दो कोणों के माप हमें ज्ञात हों। राधा और श्याम के पास एक गत्ते का टुकड़ा है। राधा उस गत्ते के टुकड़े से अपने लिए कानों के आभूषण बनाना चाहती है। राधा श्याम को कहती है कि क्या तुम मेरे लिए ऐसे आभूषण बना सकते हो जो कि ऐसे चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार में हो जिनकी तीन भुजाएं ए बी बी सी और सी डी क्रमशः 3, 7 और 1 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 60 डिग्री और कोण सी बराबर 90 डिग्री हो। श्याम आभूषण बनाने के लिए तैयार हो जाता है। आइए देखते हैं कि वो किस प्रकार ये कर पाता है। इसके लिए सबसे पहले श्याम एक कच्ची आकृति का निर्माण करता है जो कुछ ऐसी दिखती है। क्योंकि यहां उसे कोण बी और कोण सी का मान ज्ञात है, इसलिए वो भुजा बी सी का चयन करते हुए लंबाई 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेता है और उसे बी सी नाम दे देता है। बी सी पर स्थित दोनों बिंदुओं पर बनने वाले दोनों कोणों का माप 60 डिग्री व 90 डिग्री। वह प्रकार की मदद से बिंदु बी पर कोण सी बी एक्स बराबर 60 डिग्री तथा बिंदु सी पर कोण बी सी वाई बराबर 90 डिग्री की रचना इस प्रकार करता है। राधा द्वारा दी गई शर्त के अनुसार भुजा बी सी की संलग्न भुजाएं बी ए बराबर 3 सेंटीमीटर तथा सी डी बराबर 1 सेंटीमीटर है। अतः वो बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर बी एक्स पर एक चाप खींचता है जो बी एक्स को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है। इसी प्रकार वो सी को केंद्र मानते हुए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर सी वाई पर एक चाप खींचता है जो सी वाई को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु ए और डी को जोड़ने पर उसे एक अभीष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी मिलता है। अब वो उस गत्ते को इस आकार में काट लेता है और राधा के लिए आभूषण तैयार कर देता है जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। आज इस वीडियो में हमने एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करना सीखा जिनकी तीन भुजाओं तथा उनके बीच के दो कोणों के माप दिए गए हों। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित एक दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।